राजगढ़ थाना क्षेत्र के रायगंज उत्तरी स्थित मिशकार टोला में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मोहम्मद कासिब उर्फ काशिफ पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई। चार भाइयों व एक बहन में सबसे छोटा भाई काशिफ दिल्ली में एक्सेल का काम करता था और बकरीद का त्यौहार मनाने रविवार को घर आया था। परिजनों का आरोप है कि उसी के मोहल्ले के कुछ दोस्त उसे नमाज के बाद साथ लेकर गए और उसके बाद उसका शव मिला। परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक के भाई जावेद ने बताया कि पैसे के लेन देन में उसके दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी है। जबकि इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने जिन लोगों को आरोप लगाया है उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक के भाई जावेद व एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, तीनों चार हम भी बिलाया उंगली हिली। हाँ, इसी से हिला रहा था ये। भाई है मोहम्मद जावेद खान, भाई के पैसे के लिए उन लोग मारपीट की है, फिर उसके बाद उसको बंद करवा दिए। हम लोग कल छुड़ा के लाए तो फिर उसके बाद ये सुबह आया दिल्ली से, तो दिल्ली से आया तो सब इसको दारू पिला के नशा उशों में डाल के इसको खूब मार के मुआ दिए। गुदरू रहमत है, अमित गौड़ा है, छोटू है, यही सब संगे लिए थे उसको। मोहम्मद कासिफ उर्फ काशिफ ये एक्सेल का काम करता है दिल्ली में। सुबह आया है जी। कितने बजे घटना हुई, कितने बजे ले गए थे ये लोग? ले गए 10 बजे जी। राजघाट में 30 वर्षीय युवक की मृत्यु की बात आई है, तो परिवार के द्वारा जिन लोगों पर एलिगेशन लगाया गया है उनको पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और आगे जो भी तहरीर होगी और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।